बच्चों आज हम कक्षा नौवीं गणित विषय के अध्याय दो का अध्ययन करेंगे। अध्याय दो में भी प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रकार से है उसका हम दूसरा ले रहे हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। जो हमें घन दे रखे हैं घनों के व्यंजक, उन्हें प्रसारित रूप में लिखना है। और प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमने दो तीन सरल समीकरण बताई थी आपको। यहाँ पे एक सरल समीकरण फिर से देखिए, a माइनस बी का होल बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। एक सरल समीकरण, यदि ये प्लस में है तो आप इसमें प्लस वाले सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये सवाल प्लस में होता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले में ये तीन जो माइनस के स्क्वायर है और ये लास्ट वाला प्लस का है, और प्लस में सभी प्लस होते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे। माइनस वाले सर्व समीकरण आप देखते हैं कि a का मान 2a है और b का मान 3b। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2a लिखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पे 3b लिखेंगे। बाकी चिन्हों में और घातों में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने सवाल शुरू, 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर a यानी 2a का होल क्यूब, b मतलब 3b का होल क्यूब माइनस 3a का मान 2a तो ये 2a स्क्वायर, b का मान 3b तो ये 3, फिर प्लस 3a का मान 2a इंटू b का मान 3b स्क्वायर, अब इनको ब्रैकेट को खोल देंगे। 2 का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन, 2 गुणी 2 गुणी 2, 2 गुणी 4 4 गुणी 8, 8 हो जाएगा 8a³। इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर ये जो क्यूब है होल क्यूब बनाया हमने, ये 2 का भी है और a का भी है। इसी तरह से 3q 3 को हम 3 बार ऐसे लिखेंगे, 3 × 9 मौका 3 गुणा करेंगे तो 27, ये 27b³। अब आगे हैं माइनस 3 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 2 × 4 a² × 3b प्लस 3 × 2a × 3 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 3 × 9 b² ये तो क्या अपना घातों को हल कर दिया हमने। अब 8a³ - 27b³ माइनस ये तीनों एक ही पद है, ये गुणा कर देंगे 3 × 12 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 × 36 36 a² ये भी एक बन जाएगा पूरा 3 × 2 3 × 6 6 × 9 से गुणा कर देंगे तो 6 × 3 54 a b इसके। इस प्रकार से ये हमें इस तरह को प्राप्त होता है इसका 2a - 3b के होल क्यूब। एक और सवाल मैं आपको इसमें बताता हूँ और वो है आपका प्रश्न नंबर चौथा, x − 2/3y का होल क्यूब। x − 2/3y का होल क्यूब, यदि माइनस में है तो सूत्र माइनस का ही रहेगा, सर्व समीकरण हमारी माइनस की रहेगी। ये चौथा प्रश्न है आपका, इसको हल करते हैं।
x minus 2 upon 3 by full 2. A का मान x है, तो x cube minus b का मान 2 upon 3 by cube, फिर 3. A का मान x है, तो x square. B का मान 2 upon 3 by इस प्रकार से plus 3 a का मान x है और b का मान है आपके पास 2 upon 3 y इसके जमाने जमाने के बाद में x cube minus इसको whole cube सही करेंगे 2 का cube होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अभी क्या है 3 का cube 3 क्या 9 9 47 होता है और y का cube minus 3 है यहां पर भी 3 है 3 से 3 कट जाएगा क्या बचेंगे आपके पास में 2x square y 2x square y plus अब यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि ये square में है इसे लिखेंगे पहले 3 गुणी x गुणी 2 का वर्ग 2 गुणी 4 3 का वर्ग 9 और ये y है तो y से अब इसको काट सकते और अब इनको व्यवस्थित रूप से जमा देते हैं और ये हमारा इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 4 बटे 3 x y ये एक स्तरीय रूप इसी इन्हीं सूत्रों के आधार पर इन्हीं सरल समीकरणों के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बनाया हुआ है उसमें हमें दिया है 99 का होल क्यूब और एक लिखा है दे रखा है आपको 102 का होल क्यूब और एक दे रखा है 998 का होल इनके हमें विस्तारित रूप से हल करके मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 7 है और इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके हल करना है शुरुआत हम करते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट 99 का होल 99 क्यूब 99 का घन है क्या तो हम इस 99 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 100 में से यानी 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 99 बचते हैं 99 बचते हैं 3 और इस प्रकार अब आपके पास में a और b दो मान प्राप्त हो चुके हैं यहां पर हम सर्व समीकरण के द्वारा इनके मान निकालेंगे a का मान है 100 ये 100 क्यूब b का मान 1 है तो 1 क्यूब फिर 3 a का मान 100 स्क्वायर b का मान 1 है तो आप इसको 1 से गुणा का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं या इसे ब्रैकेट लगा 3 a का मान है 100 और b का मान है आपके पास है 1 100 का क्यूब का मतलब होता है अभी मैंने बताया था आपको 100 का क्यूब मतलब 100 का 100 से गुणा 3 का तो गुणा कैसे होगा आपको पता है 2 2 2 कितनी की हो गई आपकी 6 1 के कम है 1 के कम है तो आपके पास में गुणा हो जाता है 6 0 होगा यानी इसको क्या बोलेंगे हम 10 लाख इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ये 10 लाख माइनस 1 का क्यूब 1 एक का घन एक होता है वर्ग भी एक होता है यानी एक की कितनी भी पावर हो जाए उसका मान हमेशा एक ही होता है माइनस 3 100 का वर्ग 1 2 3 4 में 4 जीरो हो जाएगी यानी कि 10,000 हो जाएगा और 10,000 है तो के साथ में क्या है एक प्लस 100 है 3 है 100 किया 300 हो जाएंगे 300 बड़े थे एक बार फिर से ये 10 लाख माइनस 1 3 का 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 30,000 3 एकम 3 और 4 और 30,000 का 1 से गुणा कर देंगे तो बचेंगे 30,000 और इधर आएंगे 300 एकम 300 अब प्लस ये वाला और प्लस ये वाला है इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए माइनस वाले से जोड़ दीजिए और फिर इनको आपस में घटा देंगे
10,000 है 300 है तो ये हो जाएंगे 10 लाख है और 300 है तो ये हो जाएंगे आपके 10,300 ऐसे और ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे आपके 30,001 भाई भाई सीधा हजार 10,000 हो गया। अब इस 10,300 में से 30,001 को माइनस कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 10 में से 1 जाएंगे 9 बचे। अब यहाँ है आपके पास में 0 0 में से 0 यानी कि ये भी आपके पास में कितने हुए 9 9 9 में से 0 हुए तो कितने बचेंगे 9। इधर आपके 2 बचे हैं 2 में से 0 गए तो कितने बचेंगे 2 फिर 0 0 में से 0 जाएंगे तो बचेंगे 0। फिर यहाँ 10 हो गए 10 में से 3 गए बचेंगे 7। अब यहाँ 9 हो गए बचेंगे 9 तो कितना आया इकाई ढाई सत्रह हजार 10,000 लाख 9,70,299 ये आपको इसमें ठीक है। इस प्रकार से आप इस तारीख रूप में कर सकते हैं और ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये सवाल थे हमारे आज हम बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद।